क्या नाम हुआ? और ले जल्दी खोल खोल। फिलहाल हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। देखिए क्या हाल है, नाराज मत होइएगा। जो था ना वो चौक पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, समझ। चैन पुलिंग हो चुका है, खाली हम ही ने ऑर्डर किया है इसका। ये 20 का है, बात तो वही हो गया भाई। हारने वाला का क्या पनिशमेंट है? आर्टिस्ट दिखे हैं हमें भाई, पहली बार ट्रेन जर्नी में खाने। जी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12293 संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन से SMBT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये जो ट्रेन है शाम 8:15 पे दानापुर रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको तीसरे दिन शाम 4 SMBT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। ये आ गई अपनी ट्रेन संगमित्रा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और लोगों का क्राउड आप देखिए। तो भाई साहब ये है संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन का जनरल कोच, देखिए क्या हाल है। और जब भी जंगल में ट्रैवल करे ध्यान रखे अपने बैग को ना आगे में टांग ले। देखिए लोग उधर से भी चढ़ रहे हैं इमरजेंसी विंडो से। तो ये हाल है भाई, ये हाल है संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन का। आप देख लीजिए जनरल वाले लोग किस स्थिति में ट्रैवल करते हैं, 44 घंटा ट्रैवल करते हैं। इसी तरह जनरल कोच में इतनी गर्मी में एक समय था जब हम भी ट्रैवल किया करते थे, और अभी देखिए कुछ बदला नहीं है, वैसे ही है। तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में, B2 कोच है, सीट है ये 15 साइड लोअर, और ये 2 रेली का बोतल हमने लिया अभी बाहर से ही लिए। वैसे पेंट्री है तो पेंट्री से मिल ही जाएगा, लेकिन बाहर से भी ले लिए। अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। तो 39 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट आरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ARA, और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। और आरा जंक्शन जो है ये आता है अपने बिहार में, 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। और अभी फिलहाल यहां रोजाना 154 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो टोटल 2681 किलोमीटर की दूरी तय करती है 33 हॉल्ट के साथ 43 घंटा 45 मिनट में। वैसे हम लोग की ट्रेन जो है वो आरा जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आके लगी है। और एक चीज़ देखिए, प्लेटफॉर्म देखिए कितना नीचे है, और ट्रेन देखिए। तो जो सीनियर सिटीजन है उनको यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होगा ट्रेन में बोर्ड करने में, थोड़ा ध्यान से बोर्ड कीजिएगा। देख रहे हैं हाइट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म का और ट्रेन का। डिनर, और डिनर में हमने लिया एक बिरयानी, ये मुझे पड़ा 90 का। वैसे फर्स्ट डे आपको इस ट्रेन में वेज बिरयानी और एक बिरयानी मिलेगा, और दूसरे दिन से थाली वगैरह मिलेगा। तो ये मुझे पड़ा 90 का, और अब वेज बिरयानी लीजिएगा वो आपको पड़ेगा 80 का। मतलब ऐसा है कि खा सकते हैं, खाने लायक है। वैसे पहला दिन जो है ना ट्रेन में लोग मैक्सिमम पैसेंजर जो है वो घर से ही खाना लेके चलते हैं, और जो अगर नहीं लेके चलते हैं तो उनके लिए वेज बिरयानी मतलब वेज पुलाव और ये एक बिरयानी का ऑप्शन रहता है।
The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, तो 704 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं संघमित्रा एक्सप्रेस का 10वां हॉल्ट जबलपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JBP और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। जबलपुर रेलवे स्टेशन पे संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 7:25 और हम लोग जो ट्रेन है यहाँ पहुंची है 1 घंटा 10 मिनट डिले। 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जबलपुर और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 200 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है। अगर जब जबलपुर आते हैं तो यहाँ का फेमस गाकट भरता आप ट्राई कर सकते हैं, साथ ही खोआ जिलेबी ये भी मिलता है। वैसे अपनी जो जर्नी है ना लगभग 44 घंटे की होने वाली है, तो हर स्टेशन तो हम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ चुनिंदा स्टेशन को कवर करें। मेरी कोशिश रहती है कि पूरी जर्नी को एक ही पार्ट में दिखाए, तो नाराज मत होइएगा। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर वाटर फिलिंग किया जा रहा है अपने कोच में, और मेरे कोच का वॉशरूम जो था ना वो चौक था, तो उसे क्लियर किया जा रहा है। ये आ गया पेंट्री से अपना ब्रेड ऑमलेट, और पहली बार ब्रेड ऑमलेट के साथ बटर दिया जा रहा है अलग से, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। समझ रहे हैं क्यों हो रहा है, समझ जाइए। तो चलिए ट्राई करते हैं पेंट्री का ब्रेड ऑमलेट, देखते हैं कैसा है। तो देखिए ब्रेड ऑमलेट अपना तैयार हो चुका है, अंदर ऑमलेट है, बटर लगाए हैं, फिर ऊपर से ये केचप लगा हुआ है, ठीक है। ट्रेन जो है इटारसी रेलवे स्टेशन के पीछे है खड़ी, और चैन पुलिंग हो चुका है। दोपहर के बज रहे हैं 1:15 और आ चुका है अपना पैंट्री से लंच। ये है स्टैंडर्ड वेज मील 80 वाली थाली। वैसे लंच का ऑर्डर जो है वो इटारसी रेलवे स्टेशन से पहले लिया जाता है, तो हमने ऑर्डर कर दिया था। अभी लंच में हम लोग ट्राई करने वाले हैं स्टैंडर्ड वेज मील, डिनर ट्राई करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड एग थाली अंडा थाली, और कल का लंच ट्राई करेंगे स्टैंडर्ड चिकन थाली। तीनों थाली का रिव्यू आपको इस ट्रेन जर्नी में देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं ये भी स्टैंडर्ड वेज मील है, मेरे जितने भी को पैसेंजर थे सबका ऑर्डर जो है खाना ना हम ही लगवाए हैं स्टैंडर्ड वेज मील, और देखिए दही दिया जा रहा है इसमें। वैसे देखा जाए तो थाली जो है सही है, मतलब टेस्ट जो है ना इस थाली का सही है, दाल भी सही है और आलू मटर की सब्जी ये भी सही है। अरे हम तो भाई खुश थे कि दही बढ़िया मिला है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ खोलते ही मतलब ऐसा महक रहा है,
देखिए दही, दही खाने लायक नहीं है ये, देखिए दही एकदम खराब हो गया। ठीक है, वो ले जाए, एक तो खुल लिया है लेकिन बाकी का पैक है। हाँ सब खराब है, हाँ सब ले जाइए, सही रहेगा। भैया आप लोग दही दे दीजिएगा, दही पूरा खराब है, खाने लायक है ही नहीं। उसके जगह पर एक्स्ट्रा पराठा दिया जाएगा, नहीं तो कुछ भी दिया जाएगा। इधर रख दीजिए, सब दहियाँ रख दीजिए, क्योंकि हम देख लिए। देखिए 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 ना, वो देखिए ना, वैसे सुनिए इसको, एक्सपायर नहीं है, सुनिए आप। वैसे हम लोग जो है टोटल 8 स्टैंडर्ड वेज मील ऑर्डर किए थे, 2 मेरे साथ ही, मेरा एक फ्रेंड ट्रैवल कर रहा है वो, और बाकी के 6 पैसेंजर हैं बगल में। इन लोगों का अभी थाली हम ही ने ऑर्डर किया है कि सही रेट पे कम से कम थाली मिल जाए, नहीं तो 120 में थाली वैसे बेचा जाता है इस ट्रेन में। खाना नो डाउट सही है, लेकिन दही जो दिया गया ना ये सही नहीं। आप लोग खा रहे हैं, खाना कैसा लग रहा है? खाने लायक है ना? गिलास यहाँ से ऑरेंज जूस, 5 मिनट का ऑर्डर है ना? ये 20 रुपए गिलास है, ये 20 का, ये 20 का है, बात तो वही हो गया है ना। तो 1247 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट, नागपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NGP, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। नागपुर जंक्शन ये आता है महाराष्ट्र में, और ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 240 ट्रेन आकर रुकती है, और नागपुर रेलवे स्टेशन पे अपनी संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन पहुँची है, 40 मिनट डिले। वैसे नागपुर जंक्शन पे अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम है 4:20। वैसे नागपुर जाना जाता है ऑरेंज सिटी के लिए, और इंडिया का विंटर कैपिटल भी कहते हैं नागपुर को। और यहाँ से अभी हम लोगों ने ऑरेंज जूस ट्राई किया, ये 20 का कप है, सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ, अरे क्या नाम हुआ, हे बदमाशी नहीं, वाह देखो देखो, तो वाह, अच्छा अच्छा, पापा के पास, पापा के पास, पापा के पास। बदमाशी करेगा तो फिर पकड़ लेंगे तुमको, ठीक है।
इधर चल रहा है लूडो का गेम, चलिए देखते हैं कौन जीत रहा है। इतना गेम हुआ अभी तक कि मैच का स्कोर भी देखा जा रहा है और इधर लूडो भी खेला जा रहा है। हारा कौन दो गेम में? दोनों हारा ये दोनों एक एक गेम। तो भाई हारने वाला का क्या पनिशमेंट है? बस खाना, जो हारेगा वो खाना का पैसा देगा जी, जी। गाना गा के सुनाएगा भाई, खाना खिलाया जाएगा। चौदह सौ पचपन किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट बलहारसा रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है BPQ और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। बलहारसा रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे अपनी संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है 8:10 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 15 मिनट डिले। वैसे दूसरे दिन रात का डिनर का ऑर्डर जो है वो नागपुर रेलवे स्टेशन के पहले ही ले लिया जाता है, तो हमने डिनर का ऑर्डर कर दिया है और अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं अंडा थाली, वो भी पेंट्री से। वैसे बलहारसा रेलवे स्टेशन पर भी आपको खाने का ऑप्शन मिल जाता है, बिरयानी वगैरह आप यहाँ का ट्राई कर सकते हैं, सही होता है। तो बलहारसा रेलवे स्टेशन पे इस स्टॉल से अभी हम लोग ले रहे हैं 2 छाछ मसाला छाछ, ये मुझे पड़ा 11.11 मतलब 11 रुपये का है, 22 का ये दो हो गया और ये 22 रुपये का लस्सी आपको यहाँ पे मिल जाएगा महानंद का, और ये 15 का दही ये मिल जाएगा। ये देखिए बलहारसा रेलवे स्टेशन पे फोटो सेशन चल रहा है बैल के साथ। बलहारसा रेलवे स्टेशन पे एक आर्टिस्ट दिखे हैं हमें, ये बेगूसराय के हैं, फादर्स नेम उमेश सिंह, डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, और यहाँ लिखा हुआ है IM डिसेबल्ड आर्टिस्ट, इसी स्टेशन पे हैं। गाना वाना गाते हैं क्या? डांस करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं? एक हाथ पे ही करते भैया, एक हाथ पे ही। सुपरस्टार चिरंजीव से मिलने जा रहे हैं हैदराबाद। अच्छा ट्रेन से? सुपरस्टार चिरंजीव से मिलने ये जा रहे हैं हैदराबाद, ट्रेन से ही जा रहे हैं अभी फिलहाल, तो स्टेशन पे हैं। बिहार से आ रहे हैं ना? बिहार बेगूसराय थाना बरौनी। कितना ट्रेन चेंज कर चुके हैं अभी तक? मैं तो दानापुर से यहाँ डायरेक्ट आया हूँ। अच्छा अच्छा ट्रेन निकल गया। तो अब देखिए टाइम हो रहा है 9:33 और अपना डिनर आ चुका है, भाई लोग का भी डिनर आ चुका है। वेज थाली मंगाए हैं, वेज थाली, और अभी हम लोग करने वाले हैं अंडा थाली ट्राई। ये 90 का थाली है और 80 वाली थाली वहाँ पे है। ये देखिए दही आ गया अपना, लंच में जो हम लोगों ने दही ट्राई किया था वो थोड़ा खट्टा था, तो अभी फ़िलहाल ये सही है। ये बाहर बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। ऐसे लंच में स्टैंडर्ड वेज मील हम लोग ने ट्राई किया था, ठीक था पेंट्री से, अभी हम लोग स्टैंडर्ड एक थाली ट्राई कर रहे हैं 90 वाली थाली, ठीक है। और ये अंडा का ग्रेवी ये भी सही है, और ये साथ में अभी दिया गया है दही, खुला दही है लेकिन सही है, ठंडा है फ्रेश है, और ये साथ में 3 पराठा दिया गया है। भाई रात के बज रहे हैं 11:40 और देखिए कोच के लगभग पैसेंजर सो चुके हैं, चलिए हम भी सोते हैं। और देखिए जींस खोल लिए, भाई लंबा जर्नी है, जींस खोल के मतलब कार्गो खोल के वहाँ रख दिए हैं, और ये अपना बुमचुम पहने हुए हैं, यही पहन के सोएंगे। ऐसे लाइट वगैरह भी बंद हो चुका है कोच का। The next morning.
मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, तो संगमित्रा एक्सप्रेस का आज तीसरा दिन है ट्रेन जर्नी का, और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट अभी हम लोग कर रहे हैं पेंट्री से, उपमा ये मुझे परा 40 का बिल्कुल गर्मा गर्म है। वैसे थोड़ी लेट से उठे थे, फ्रेश हुए हैं, फ्रेश होकर अभी आए। वैसे देखा जाए ना तो इस ट्रेन का वाशरूम का कंडीशन उतना बढ़िया नहीं है, आज हम लोग का तीसरा दिन है लेकिन वाशरूम का कंडीशन ना मन लाइक नहीं है। अब कह सकते हैं मतलब कहने पे साफ सफाई हो रही है, नहीं तो इसी तरह इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं अगले रेलवे स्टेशन पे। वैसे बहुत सारा स्टेशन हम स्किप कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है कि एक ही एपिसोड में आपको इस पूरी ट्रेन जर्नी को दिखानी है और इस ट्रेन की पूरी कहानी बतानी है। दो दो एपिसोड, तीन तीन एपिसोड डाल के, समझ रहे हैं ना, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा लेकिन आपको सही जानकारी नहीं मिलेगा। अभी जस्ट हमने ट्राई किया ये उपमा, काफ़ी बढ़िया है, अगर आप स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट से तो बढ़िया है ये। और ये ट्रेन अभी फिलहाल हम लोग ओवरटेक कर रही है। किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 27वां हॉल्ट पेरम्बूर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PER, और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। पेरम्बूर रेलवे स्टेशन ये आता है तमिलनाडु में, और यहां पे अपनी संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 9:40, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 25 मिनट डिले। 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और ये चेन्नई का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, और पेरम्बूर को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का घर भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण होता है। और हाँ, पेरम्बूर रेलवे स्टेशन से पहले इस ट्रेन में आपको तीसरे दिन का लंच का ऑर्डर ले लिया जाता है, हमने ऑर्डर दे दिया। वैसे तीसरा दिन जो है ना, आपको इस ट्रेन में वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी और अंडा बिरयानी ही खाने को मिलेगा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 और आ चुका है पेंट्री से अपना चिकन बिरयानी। वैसे वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी और अंडा बिरयानी ये आपको तीसरा दिन लंच में मिलेगा, बिल्कुल गर्मा गर्म है। ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो 2460 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 29वां हॉल्ट तमिलनाडु के काटपाड़ी जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है KPD, और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 15 मिनट का। काटपाड़ी जंक्शन पे संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 11:35, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 20 मिनट डिले। 15 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोको पायलट चेंज होंगे, ट्रेन के मैनेजर चेंज होंगे, साथ ही ट्रेन मतलब कोच में वाटर फिलिंग वगैरह किया जाएगा। वैसे काटपाड़ी जंक्शन जो है ये तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट पता है किसी के लिए जाना जाता है, इंडिया का लेदर हब है। वैसे 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है काटपाड़ी जंक्शन। चिकन बिरयानी ओके 110, ये अंडा थाली, ये अंडा थाली हो गया 90, टेंडर वाला ये हो गया, टोटल की प्लेट कितना होगा? जो चीज खाएंगे वही ना सीखा ना।
तीन दिन के खाने का बिल पेंट्री का, जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब इंक्लूड है, और सभी का ये बिल है। जब भी आप ट्रेन जर्नी करें बिल जरूर लें। ट्रेन में पेंट्री से खाना खाते जाइए और बिल को समेटते जाइए। तो 2545 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 30वां हॉल्ट जोलारपेट रेलवे स्टेशन, जो कि आता है तमिलनाडु में, और यहां पर अपनी संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन का जोलारपेट रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है 1:15 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 15 मिनट बिफोर। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन चलती है 3 जनरल कोच के साथ, साथ इसमें स्लीपर का कोच लगा हुआ है, 6 थर्ड AC का कोच है, 2 सेकेंड AC का कोच है, 1 HE1 कोच है, 1 पेंट्री कोच है और 1 हैंडीकैप कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर आप स्टेशन ट्रैवल करते हैं दानापुर से SMBT रेलवे स्टेशन बेंगलुरु के बीच में स्लीपर क्लास में, तो उसका फेयर पड़ेगा आपको लगभग 910 रुपया, और आप थर्ड AC में ट्रैवल कीजिएगा जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 2355 रुपया। और हाँ, पेंट्री कोच है तो पेंट्री से खाना वगैरह ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बिल जरूर लीजिएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगी हुई है SMVT हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन का वाशरूम का कंडीशन। तो वाशरूम में जाने से पहले ये सामने में आपको मिरर देखने को मिलेगा, ये रहा बेसिन, डस्टबिन पूरा भरा हुआ है, इधर भी डस्टबिन है, वो डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन मत समझिएगा, लेकिन लोग उसमें डाल दिए हैं कचरा, वो OBHS स्टाफ का सामान रखने वाला पेटी है, लेकिन देखिए इसमें लोग खाना खा के जूठा फेंक दिए हैं, अब बेचारे वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे। वैसे मैं आपको चलिए वाशरूम का कंडीशन दिखाता हूँ। खोल ले जल्दी, खोल खोल, कौन है ये, खोलो टिकट है, खोलो, रुक जाइए करा, रुक जाइए, आप ही का पार्टनर। देखिए विदाउट टिकट वाले इसमें बैठे हुए हैं, टिकट कहाँ है तुम्हारा, कहाँ दिखाओ, जल्दी दिखाओ टिकट, टिकट नहीं है तो बाथरूम में छुपेगा कहाँ, स्लीपर का टिकट है 3rd AC में, क्या कर रहा है तुम, क्या कर रहा है, देखिए भागा भागा पकड़िए। तो भाई पहली बार ट्रेन जर्नी में खाने का फीडबैक लिया जा रहा है, इतनी ट्रेन जर्नी की है लेकिन फर्स्ट टाइम, साफ सफाई का तो फीडबैक देते ही है लेकिन ये पेंट्री सर्विस का फीडबैक पहली बार, ये देखिए। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं SMVT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 10 मिनट बिफोर। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 4:00 PM, हम लोग 10 मिनट बिफोर पहुंच रहे हैं। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि संगमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। और मैं बात करूँ जर्नी एक्सपीरियंस की, तो सबसे पहले बात करते हैं साफ सफाई की। तो 3rd AC कोच का साफ सफाई मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा, बहुत सारा ऐसा वाशरूम है जिसमें मतलब जेट स्प्रे वगैरह कुछ नहीं, काम नहीं कर रहा था, था ही नहीं, किसी में मग भी नहीं था। तो ये है इस ट्रेन का वाशरूम का कंडीशन। अगर मैं बात करूँ खाने की, तो पेंट्री कोच है, पेंट्री से खाना आप ट्राई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वेज मील आपको मिल जाएगा, 80 की थाली बिल, वो भी बिल के साथ अगर आप बोलिएगा तो, और 120 की भी थाली आपको मिल जाएगी जिसमें पनीर का सब्जी एक्स्ट्रा रहता है। और रही बात साफ सफाई की, हमने आपको बता ही दिया खाने के बारे में, बता ही दिया पंक्चुअलिटी आपने देख लिया। तो चलिए आज की जर्नी को ये रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार इस तरह भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, डिनर पीस बाय, और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू।